मैं आपसे केवल ये बताना चाह रहा हूं, आज दो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अब अपने पूरे तौर पर पेशेवर अपराधियों के गिरोह के तौर पे सामने आ गई है, उसने किस तरह देश के शिक्षा संस्थानों को आतंक का अड्डा बना लिया है, उस पर कुमार भाई संबोधित करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और भाजपा शासित राज्यों में किसानों और आदिवासियों पर सरकार, सरकारी तंत्र और पुलिस किस तरह अत्याचार कर रहा है, किस तरह बर्बरता कर रहा है, इसकी दो मिसालों के साथ अमानवीय घटनाओं के पूरे का पूरे विस्तार में विवरण जो है गोपाल जी देंगे, जो कि आपको पता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। कुमार भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा कि आने में थोड़ी देरी हुई ट्रैफिक की वजह से। मित्रों, लोकतंत्र में चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में कम ही ऐसे अवसर आए हैं जब राजनीतिक पार्टियों ने देश की अस्मिता को दांव पर लगाकर चुनाव जीतने का प्रयास किया हो। पिछले वर्ष देश की राजधानी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में चंद लड़कों ने भारत विरोधी नारे लगाए और उन्होंने मंशा जाहिर की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उस दृश्य को देखकर हर भारतीय नागरिक की तरह मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति में, एक सामाजिक कार्यकर्ता में, एक पार्टी के कार्यकर्ता में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। और भारत की पहली राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी थी जिसके राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पार्टी का आधिकारिक स्टैंड मैंने आगे रखा और कहा कि देश के गृहमंत्री और केंद्रीय सरकार को ये जो 4-5-6 लफंगे जिनकी नाक दिख रही है, जिनके बाल दिख रहे हैं, जिनका चेहरा दिख रहा है, इन्हें तुरंत पकड़कर जेल में डालना चाहिए। किसी की कैसे हिम्मत हुई कि हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान की धरती पर यहां का अंड खाकर देश की अखंडता के विरुद्ध नारा लगाए। लेकिन उस समय देश की तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाने की जोड़ तोड़ कर रही थी और नागपुर के दूत वहां पड़े हुए थे कि किसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का समझौता करके, एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान के नारे का समझौता करके उसे बेचकर सत्ता पर कब्जा किया जा सके। इसलिए उन लड़कों को नहीं पकड़ा गया और आज तक वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस जो सोमनाथ भारती के मूक कुत्ते को पकड़ लाती है, वो उन 6 लफंगों को नहीं पकड़ पा रही है जो भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये पिछले राज्यों के चुनाव से पहले की घटना है। उस छोटे से वीडियो को जमानत पर बाहर छूटे हुए दलाली के आरोप में जो पकड़े गए थे, ऐसे कुछ पत्रकारों के माध्यम से और कुछ चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में एक फर्जी राष्ट्रवाद का बवाल बनाने की कोशिश की गई। जगह जगह उसके बारे में चर्चा हुई, जगह जगह विमर्श हुआ, ऐसा लगा कि राष्ट्रवाद लुटने वाला है और उसके पहरेदार ये चंद लोग आए हैं जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। उसके बाद वो मामला सब शांत पड़ गया। अफजल गुरु की वकालत करने वाले अफजल गुरु के मॉर्टल रिमेन मांगने वाली बुआ के चरणों में जाकर लेट गए और वहां जाकर एक सरकार बना ली। पूरे देश ने इस बात को देखा। प्रधानमंत्री ने दो ध्वज के बीच में खड़े होकर शपथ दिलवाई वहां जाकर। अब चूंकि फिर उत्तर प्रदेश में बौखलाहट है, हार सामने दिख रही है, तीसरे नंबर की कोशिश है कि तीसरे पर वो आए, कि बसपा आए, कि कांग्रेस आए, तो इसलिए सारे प्रयासों के बावजूद अब एक नया नाटक किया गया है जिसमें इन्हीं के कुछ लोग हर बार किसी परिसर में जाकर भारत विरुद्ध नारा लगाते हैं और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका आपने तीन आप्त वाक्यों ज्ञान चरित्र एकता इन तीनों से कोई संबंध नहीं बच गया है, वो तीनों संबंधों को बाहर तोड़कर वो फिर लाठीबाजी करते हैं, पथराव करते हैं और पुलिस उनके साथ काम करती है। यहां मैं आपके संज्ञान में पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं को लाना चाहता हूं। हमारे बॉर्डर से जब भी कभी घुसपैठ हुई, ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 40 साल से हम विश्व रंगमंच पर यह कहते रहे कि ISI है जो भारत में आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन यह पहली राष्ट्रवादी सरकार है जिसने अपने यहां हमले करवाए जो हुए, उसके बाद ISI को बुला के कहा कि देख लो ठीक से हो पाए कि नहीं आ पाए। पहली बार ISI के अधिकारी भारत में आए और भारत माता के वीर सैनिक सपूत उनकी सेवा में लगा दिए गए। गीदड़ों की अगवानी में सिंह शावकों को लगा दिया गया, यह भी इस देश ने देखा इस तथाकथित राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के बीच में। यहां यह आप सबको सूचना है, यह मैं पहला अखबार आपको दिखा रहा हूं जिसमें भोपाल में सिम कार्ड बरामद, मोबाइल कार्ड बरामद, जिसमें 1 करोड़ों रुपए के लेन देन का नेक्सस ढूंढा गया है, जहां मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की IT सेल का संयोजक, जो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के वरिष्ठ नेताओं, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम नेताओं के साथ जिसके फोटो हैं और उसका पूरा नेक्सस है, हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता उसके साथ काम कर रहे हैं, और जिसने, आप उसका फेसबुक पेज सर्च कीजिए,
तो जेएनयू में जब नारा लगा तो उस नारे के खिलाफ इसी लड़के ने बहुत सारे लोगों को लेकर एक प्रदर्शन मार्च भी निकाला। यानी कि एक तरफ तो भाजपा के कार्यकर्ता आईएसआई से पैसे लेकर भारत में रक्षा जो ठिकाने हैं उनके नक्शे बेच रहे हैं, उनका सामान बेच रहे हैं, इस देश के सैनिक की हत्या का षड्यंत्र रचवा रहे हैं आईएसआई के साथ मिलकर, और दूसरी तरफ ये छद्म राष्ट्रवादी सड़क पर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगा आगे लेकर भाजपा का झंडा आगे लेकर चल रहे हैं। ये सब आपने कवर किया, इस पर पूरी बीजेपी मौन है, इस पर मध्य प्रदेश के सारे नेता मौन है, इस पर जरा जरा सी बात पर बच्चे एग्जाम में सवाल की प्राथमिकता कैसे हल करें इस पर बोलने वाले प्रधानमंत्री अपनी मन की बातों पर मौन है, ये आपके सामने है। इसी तरह आपने देखा होगा ये भी एक अखबार है जिसमें आईएसआई एजेंट बलराम जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है और बजरंग दल की यूनिट जो इस्तेमाल करता है, आप सब जानते हैं कि बजरंग दल क्या है, किन के लिए काम करता है। ये वही बजरंग दल है जो 14 फरवरी को अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए या प्रेम का इजहार करते हुए युवा जोड़ों को दौड़ा दौड़ा कर पीटता है और तथाकथित संस्कृति रक्षक इसको जायज ठहराते हैं। इस बजरंग दल के कार्यकर्ता को पकड़ा गया और जिसने आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम किया, भारत के रक्षा ठिकानों के नक्शे भेजे, भारतीय सेना का मूवमेंट आईएसआई को भेजा और इसने बताया कि इसके साथ पूरा नेक्सस गुजरात में और मध्य प्रदेश में लोगों का जुड़ा हुआ है। आईएसआई जासूसों से बीजेपी के कनेक्शन का एक और सबूत यह पत्रिका ने छापा है, इसमें वो व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है ध्रुव जो वहां पर है, भाजपा के कार्यकर्ता। इन्होंने साफ बताया कि इन्होंने एक सेंटर के नाम पर, एक कॉलिंग सेंटर के नाम पर ये पैसे लेते रहे और आईएसआई इनके पैसे देता रहा और ये जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं को पैसे देकर उन्हें अपडेट कराते रहे और भारत के सारे रक्षा ठिकानों के नक्शे और भारतीय सेना का मूवमेंट आईएसआई को भेजते रहे। मित्रों, जिस दिन से भाजपा की रैली कार्यक्रमों का खर्च आईएसआई उठाती और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसी कोचिंग सेंटर के थ्रू, इसी कॉलिंग सेंटर के थ्रू भारतीय जनता पार्टी की रैलियों का खर्चा इस लड़के ने और इसके सेंटर ने उठाया है। इसने पोस्टर चिपकाए, इसने बिलबोर्ड लगवाए, इसका मतलब सीधे सीधे आईएसआई से, पाकिस्तान से आए हुए पैसे से भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद की दुकान के बैनर छप रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार हुआ भारत में कि बिना बुलाए बराती की तरह केक खाने के लिए प्रधानमंत्री जो ये कहा करते थे कि गोली की आवाजों के बीच शांति की वार्ता नहीं हो सकती, वो नवाज शरीफ के यहां पहुंचे और उनके जाने का परिणाम यह हुआ कि पठानकोट में हमें लेफ्टिनेंट निरंजन जैसे बहादुर सपूतों की वर्दी खून से सनी हुई देखनी पड़ी और उसके बाद यह हुआ कि आईएसआई जिन्होंने वो साजिश रची थी वो स्वयं भारत में जांच करने आए और उन्होंने डोजियर फेंक के मारा इस देश के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के और केंद्र की सरकार के ऊपर, और कहा कि हमारा इसमें हाथ नहीं है, तो आपने खुद कराया है। और अब ये सबूत निकल के आए हैं जिसमें भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग ये सब काम कर रहे हैं। यहां प्रश्न ये उठना है कि देश के कैंपस, चाहे वो जेएनयू का हो चाहे रामजस का हो, जहां से प्रतिभाएं निकलती हैं, जहां से लोग निकलते हैं, वहां अगर राष्ट्र विरोधी नारा लगता है, भारत के खिलाफ नारा लगता है, कश्मीर की अखंडता के खिलाफ नारा लगता है, तो इसकी असफलता का सीधा सीधा श्रेय केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री का है, गृहमंत्री का है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को सड़क चलते गिरफ्तार करके कीर्तिमान बनाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी असफलता स्वीकार करें कि दिल्ली में उनकी नाक के नीचे केंद्रीय विद्यालय में चंद लफंगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगाया और वो आज तक गिरफ्तार नहीं किए गए, आज तक उन चेहरों की पुष्टि नहीं हुई, उन्हें जेल के पीछे नहीं डाला गया। और कल रामजस कॉलेज में फिर यही हुड़दंग कराने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश चुनावों में जीतने की जद्दोजहद के चक्कर में भारतीय अस्मिता, भारतीय अखंडता और भारत में इस बात की हिम्मत लोगों में पैदा मत करिए। आम आदमी पार्टी पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ इस बात को रेखांकित कर रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस समय बीजेपी और उसके संगठनों के माध्यम से, चाहे वो एबीवीपी हो चाहे बजरंग दल हो, अपने पैसे भेजकर कोशिश करा रही है कि किसी तरह से भारत के रक्षा सौदों की बात बाहर जा सके। मैं तमाम राष्ट्रवाद के पैरोकार, उन मासूम लोगों से जो इनके चक्कर में हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि ये अपने पूर्व में राम को ठग चुके हैं, रामलला टाट में है, ये सारे ठाट में है, इस बार ये इस देश को ठगने वाले हैं इस राष्ट्रवाद का नारा लेकर। तो इन फर्जी राष्ट्रवादियों की चपेट से इस देश को बचाने के लिए देश के सारे छात्रों से अनुरोध है कि अगर उन्हें किसी विषय पर बहस करनी है तो वो एक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत एक दूसरे को आमंत्रित करके उस पर विचार विमर्श करें, इनके चक्कर में ना आए, क्योंकि इनका सारा प्लान पहले से डिजाइंड है कि कौन आईएसआई से चंदा लेगा।